छोले तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन बिना प्याज, बिना टमाटर और बिना लहसुन के छोले अगर नहीं खाए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। ये सचमुच में बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और इसके साथ में गेहूं के आटे से आप मसाला पूरी बनाएं। इस छोले में एक खास बात यह है कि इसमें तेल बहुत कम लगता है। अगर आप चाहें तो बिना तेल के भी बना सकते हैं और नहीं तो थोड़े तेल में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रात भर भिगोए हुए काबुली चने को हम एक कुकर में लेंगे और उसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक इंच तज का टुकड़ा डालेंगे। साथ में नमक और चाय पत्ती का पानी डालेंगे जिससे उसमें एक अच्छा सा कलर आएगा और हम उसको 3-4 सीटी लगा के बॉयल करेंगे। मसाला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच धनिया लेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 3-4 लाल मिर्च, तज, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इन सबको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छे से रोस्ट करने के बाद में हम इनको ठंडा करके इसका एक पाउडर बनाएंगे, लेकिन वो बहुत महीन नहीं होगा, दरदरा पाउडर ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेना है। अब हम छोले में डालने के लिए सब मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला और जो मसाला बना के तैयार किया है उसको 2-3 चम्मच लेंगे। ज़्यादा पसंद है तो 3 लीजिए और अगर कम पसंद है मसाले वाला तो 2 चम्मच ही लीजिए। और अब बॉयल्ड चने को छान के उसका पानी अलग कर देंगे और जो उसमें डाले हुए गर्म मसाले हैं उन मसालों को भी हम निकाल देंगे। अब सब मसालों को एक साथ मिक्स करके हम चने के ऊपर से इन मसालों को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जो पानी हमने छान के अलग किया है उसी पानी को भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। बचे हुए मसाले को डाल के पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, सारे चने अच्छे तरीके से उस मसाले से कोट हो जाएंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा अच्छे कलर के लिए। अब हम चना मसाला उसमें डालेंगे, साथ में हम नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करिए और चना मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपको लग रहा है कि चना सूखा है तो थोड़ा पानी जो हमने अलग करके रखा है उसी को इसमें और डाल दीजिए। एकदम अच्छा चटपटा सा चना मसाला तैयार है। मसाला पूरी बनाने के लिए 2 आलुओं को हम कद्दूकस कर लेंगे, उसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, थोड़ा नमक और चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ में हम उसमें 2-3 चम्मच दही डालेंगे। अच्छी तरीके से सबको मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पानी के साथ में हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे मसल के और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। अब छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, भटूरे जैसी या पूरी जैसी, जैसी भी आपको इच्छा हो वैसी पूरियां बनाइए इसकी और छोले के साथ में गर्मा गर्म पूरियों को एंजॉय करिए। सचमुच में ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।